पहले एक बैंकर थे, और बैंकर होने के बावजूद तो जब उनको लगा कि मैं अगर ये बैंकिंग ही करता रहूंगा और 10 से 6 बजे तक बैंक में अपना टाइम दूंगा तो पूरी जिंदगी इसी 50-60 हजार की नौकरी पे ही टिका रहूंगा, लेकिन मेरी के अपलाइन ने मुझे बताया कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नेटवर्किंग में कुछ सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बात अपना 6:30 बजे से 11 बजे तक मैं फील्ड में रहता था और मैंने माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग के लिए काम किया और 6 महीने में ही मैं उतना कमाने लगा जितनी की मेरी सैलरी थी। और 6 महीने बाद उन्होंने जॉब छोड़ के अपना पूरा समय माई लाइफस्टाइल में दिया और आज वो इतने फ्री हैं कि ना उनके ऊपर कोई बॉस है, ना उनको कहीं रिपोर्टिंग करनी है, ना उनको मतलब कि टाइम की कोई कमी है, ना पैसे की कोई कमी है। तो इस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और जो उनके उन्होंने बताया कि कैसे लोग हमें ऑब्स्टेकल्स करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो कि मैं भी एक किसान का बेटा था, गांव से आया था और मुझे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और जी मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन जब मैंने सीखा तो मैं सीख पाया, जब मैंने चाह रखी कि मुझे सीखना है तभी सीख पाया। अगर हम चाह रखेंगे कि मुझे कुछ सीखना है तो हम सीख सक पाएंगे, और बाकी सब तो एक्सक्यूजेज हैं कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तक आपने एमआईडीसी वर्ल्ड के जितने भी सेशन अटेंड किए हैं, चाहे वो जी प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो इंस्पिरेशनल टॉक्स हो, चाहे लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स हो, चाहे गेट रेडी स्टार्टेड गेट स्टार्टेड हो, ये जितने भी अभी तक आपने ये जो कोर्सेज किए हैं, इससे आपको ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी एनर्जी भी मिल रही है और मोटिवेशन भी मिल रहा है, और कैसे इस फील्ड में जाना है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हम कर पाएंगे, उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सीखने को मिल रहा है कि बहुत वास्तव में सही, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस एटीट्यूड की जरूरत है। दैट्स ग्रेट, बहुत शानदार तालियां होनी चाहिए अनिल सर के लिए। इतना शानदार तरीके से उन्होंने बताया वो कैसे कैसे बेनिफिट ले रहे हैं एमआईडीसी वर्ल्ड का, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, उनका मोटिवेशन बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी बढ़ रही है और काम करने के तरीके पता चल रहे हैं, काम को करना कैसे है, राइट? और उनका विश्वास भी बढ़ रहा है, उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने एक बैंकर को सुना क्योंकि वो भी बैंकिंग में थे, तो उनको लगा कि हाँ जब एक बैंकर कर सकता है इतने अच्छे तरीके से तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। बहुत शानदार, वेरी गुड। यस नेक्स्ट, नेक्स्ट और सुनीता शर्मा मैम अनम्यूट कीजिए। जितने लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं आप सभी लोगों का चांस आएगा, आप सभी लोगों को बताना है अभी तक आपने एमआईडीसी वर्ल्ड से क्या क्या बेनिफिट लिया है, एमआईडीजी वर्ल्ड से क्या फायदा आप लोगों ने लिया है, आपके बच्चों ने लिया है, किस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी हम सुनीता शर्मा मैम से मिलते हैं। सुनीता मैम हिमाचल प्रदेश से हैं, प्लीज वेलकम मैम। नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने लास्ट वीक ही लिया था तो मेरा अभी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खुल नहीं रहा है, तो फिर मैं शर्मा जी से आज कांटेक्ट करूंगी तो उनसे करवाऊंगी। चलिए, ओके मैम, ओके, वेरी गुड। आज इसको खुलवा लीजिए, आज इसको ओपन कीजिए। यस मनीषा द्विवेदी जी, पीयूष जी, मनीषा जी, बाकी लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपके अनम्यूट करने की परमिशन विड्रॉ कर लेता हूँ, जिनको हम परमिशन देंगे वही विड्रॉ कर पाएंगे, वही अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस लाल कृष्ण जी, आप बताइए आपने कैसे अब तक क्या क्या बेनिफिट लिया है एमआईडीसी वर्ल्ड से। नमस्कार सर, थैंक यू नमस्कार जी। सर। मैंने तो मतलब पहले भी बताया था आपको कि मैं पहले से ही लेना चाहता है इसको जाए ये, लेकिन अब जब ये इम्प्रूव्ड वर्जन आया है तो इसने तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको लिया है हमने, और मेरी बेटी ने तो बहुत बेनिफिट ले रही है इसके, और मैं भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप बताते जाते हैं कि इन इन चीजों को देखिए तो उन चीजों को भी अभी फोकस कर रहा हूँ। ये जैसे सलील सलील मैथ्यू सर को सुना, फिर आपने कहा कि इनके जो एंटरप्रेन्योर है जो अलग अलग है, फिर उन लोगों को सुन रहा हूँ धीरे धीरे। तो
बहुत अच्छा, मोटिवेशन तो हमें पता है ही है बिजनेस के कैसे इसको करना है, लेकिन जहाँ पे अभी क्योंकि ये चल रहा है अपना थाईलैंड टूर के लिए, तो अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इसको अच्छे से सुनने के लिए, क्योंकि फील्ड में ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को किया जाए। बाकी नो डाउट के ये TC जो नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे खुद को काफ़ी टाइम लगा था सीखने के लिए कि कैसे इस चीज़ को किया जाए, कैसे कैसे करूं, क्योंकि दीपक मिश्रा सर रोहिणी में रहते थे, मैं मेहरौली में रहता था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी। तो अब ये चीज़ नहीं है कि जैसे कहीं भी कोई भी है तो उनके लिए तो बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन बहुत ज़बरदस्त निकाला है माई डिजी वर्ल्ड सर, थैंक यू। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी आपने लाल कृष्ण जी को सुना कि वो भी बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी बेटी भी बेनिफिट ले रही है, वो भी वेबसाइट बनाना सीख रही है, सीख गई है इनफैक्ट वेबसाइट बनाना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस मनीषा द्विवेदी जी, मनीषा जी, पीयूष जी, यस मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस मैम नमस्कार। सर हमने बहुत मतलब फायदा ले रहा है इसका, शुरू कर दिया है। मैं तो क्लासेस ले रही हूँ सनील मैथ्यू सर की, और सर वुमेन एम्पावरमेंट में मैंने उनको सुना है, मृणाल कंसलकर मैम है और वो गीता जी हैं, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और काफी नई चीजें सीखने को मिल रही है। मतलब यूट्यूब पे भी वीडियो कैसे बनाए, इवन इस पे भी उस पे वीडियो है अवेलेबल है कि आप कैसे अपना अपलोड कर सकते हैं, कैसे उसमें टाइटल दे, मतलब काफी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। दूसरी बात हमारे लिए तो है ही सर, और आरुष के लिए भी बड़ा अच्छा है, हमने अभी दो कोर्सेज ज्वाइन कराए हैं, अब जैसे इनका थोड़ा सा कम्प्लीट होता है तैसे ही नेक्स्ट और करवाएंगे। काफी अच्छा लग रहा है सर, और मैं तो चाह रही हूँ कि मतलब अपनी नोन में मैंने सबको इसके बारे में बताया और बोला है कि इसके फायदे जरूर ले। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी आपने मनीषा मैम को सुना वो किस तरीके से बेनिफिट ले रही हैं। अभी सोशल मीडिया का एक कोर्स है जिसमें यूट्यूब के ऊपर चैनल कैसे बनाना है, उस चैनल को रन कैसे करना है, उसके ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करनी है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, टाइटल कैसे डिजाइन करना है, वो सारी चीजें सिखाई जा रही है। इसके अलावा तो देखिए, अब आप लोग जैसे जैसे सीखते जाओगे ना, आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस ममता कुमारी नायक मैम फ्रॉम उड़ीसा, ममता नायक मैम फ्रॉम उड़ीसा, मैडम अभी तक आपने क्या क्या सीखा है MIDG वर्ल्ड से और आपको कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मैंने तो अभी बहुत कुछ सीखा नहीं, लेकिन जितना भी सीखी हूँ ना सर, वो जो जो लीडर्स, वो जो मीन्स अपलाइनर्स को जब जो आते हैं ना, वो जैसे मोटिवेशन दिलाते हैं ना, उसमें से बहुत स्पिरिट आता है और इंस्पिरेशन मिलता है सर काम करने के लिए। और वो जो कोड ऑफ कंडक्ट में वो मैंने सीखा, मैं एक बार खोली थी, और अभी मुझे प्रॉब्लम है सर, मैं डेली जा रही हूँ और ट्रेन में हूँ, जी मैम, क्योंकि मेरे कुछ मैं मेरी दीदी के कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 2 दिन से उसको खोल नहीं पाई। लेकिन जितना भी नहीं सीखी हूँ ना सर, जी मैम, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और स्पिरिट आता है काम करने के लिए, और बहुत मोटिवेशन आता है कि क्योंकि अगर हमारे अपलाइनर से इतने काम किए हैं तो हम भी थोड़ा खुद को शामिल करें और काम करने के लिए स्पिरिट आता है सर। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। और हाँ सर, मेरे बेटी को भी मैंने ज्वाइन करवाने के लिए सोची हूँ, जब दिल्ली से लौटेंगे वो मेरे बेटियां को ज्वाइन करवा लूंगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ अच्छे। सर, देखिए आपने सुना ममता कुमारी मैम जो है, ममता नायक मैम उड़ीसा से हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर हैं, और टीचिंग के साथ साथ आज इस बिजनेस को कर रही हैं, MIDG वर्ल्ड को सीख रही हैं। MIDG वर्ल्ड से उन्होंने बताया जितना भी सीखा है अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सीखने को भी मिल रहा है, बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। चलिए यस, अभी हम जानना चाहते हैं नेक्स्ट, और किस किस व्यक्ति ने यूज किया है MIDG वर्ल्ड को। भावना योगा जी, किस किस व्यक्ति ने MIDG वर्ल्ड का बेनिफिट लेना चालू कर दिया है, कैसे कैसे बेनिफिट आप ले रहे हो? यस मैम, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मैंने अपने आप से खोल के नहीं देखा, क्योंकि प्रकाश जी ने अपने फोन से किया है, तो जब वो चलाते हैं मैं सुनती रहती हूँ। सर उन्होंने नोट्स भी बनाए इसके कुछ, तो अभी भी जैसे मैं सुबह कॉपी पर निकाल के उसमें देख रही थी, तो सर घर में चलता है तो सुनती रहती हूँ। बाकी मृणाल मैम का मैं ज्यादा सुनती हूँ सर, तो उससे क्या उनकी फायदा आपको महसूस हो रहा है, क्या कुछ फायदा मिल रहा है आपको MIDG वर्ड्स?
कई हाउसवाइफ मिलती है ना जिनको हम प्लान दिखा रहे होते हैं, तो वो लास्ट में ये कहते हैं कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें लोगों से बात करनी नहीं आती, हम तो घर से कभी बाहर नहीं निकले। तो सर जैसे आपने भी बोला था कि लास्ट में उनको प्लान दिखाने के बाद मिन्नार मैडम का वो सुना दीजिएगा, तो सर मैं जी अभी मैंने दिखाया नहीं है किसी को, लेकिन सोच रही हूँ कि ऐसे फोन ले जाके प्रकाश जी का जैसे कभी दिखा दे तो एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ सर कि क्या रहेगा उसका रिजल्ट। मैम, बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही शानदार रहेगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी इसका बेनिफिट कैसे लेना है। अभी सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं उनको स्टार्ट कैसे करना है। दूसरी चीज फिर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि इसका बेनिफिट कैसे लेना है, राइट सर ना क्वालिटी आ रही है सर बोलने में ना, जैसे हम सुनते हैं ना किसी को तो कुछ जी? नए शब्द हमें मिलते हैं, तो कई बार होता है हमारे पास शब्दों की कमी हो जाती है तो हम बोल नहीं पाते, रुक जाते, अटक जाते हैं कहीं पे, तो नए शब्द बन रहे हैं सर। जैसे डिक्शनरी बोलो आप उसको कि स्पीकिंग डिक्शनरी हमारी जो वो बढ़ती जा रहे हैं उसमें वर्ड सर। वोकैबुलरी बढ़ रही है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शब्दकोश बढ़ रहा है नए नए लीडर्स को सुनकर, दैट्स ग्रेट। यस अर्चना रानी मैम, अर्चना रानी मैम हरिद्वार से अनम्यूट कीजिए। जी मैम गुड मॉर्निंग, आप बताइए अभी तक MIDC वर्ल्ड से आपने क्या क्या सीखा है, उसका बेनिफिट आप कैसे ले रहे हो? प्लान करने के लिए जाते हैं, हमारा मन कई मन लग रहा था क्योंकि अभी हम हमने जनवरी को ज्वाइन किया है, तो उसका हम प्रणाम मैम को सुन काफी वो मिलता है कि जैसे उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज वो किस मुकाम पर है। जी और कौन कौन से कोर्सेज अभी तक आपने अटेंड किए हैं मैम? अभी तो मैं उन्हीं उन्हीं को ज्यादा वो कर रही हूँ, उन्हीं को सुन रही हूँ, और वो है गीता मैम है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाकी और भी सुनिए, देखिए एक नियम बना लीजिए सब लोग, जिन जिन लोगों ने MIDC वर्ल्ड ले लिया है ना, एक नियम बना लो, 1 घंटा ट्रेनिंग रोज लेनी है। यदि आप लोग 1 घंटा रोज लोगे ना तो आप इसका फायदा उठा पाओगे, सच में फायदा उठा पाओगे। इसके अंदर है ना खजाना भरा पड़ा है, लेकिन वो खजाना काम उन्हीं के लिए करेगा जो उस खजाने तक पहुंचेगा। यानी आपके पास चाबी भी है, खजाना भी है, बस खोल के उस खजाने को लेना है, और वो लेने के लिए आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा। आप दोगे तो इतना मेटीरियल है कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी नई नई चीजें आपको मिलेंगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते चलेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको डेली, इसको 1 घंटा कम से कम ट्रेनिंग के लिए जरूर निकालिए, आप जरूर सीखिए, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। नेक्स्ट संगीता मैम अनम्यूट कीजिए। संगीता मैडम जी ने ले लिया है, गोविंद जी ने ले लिया है, जिन जिन लोगों ने लिया है आप लोग बताइए जल्दी से कैसे आप सीख रहे हो। यस संगीता मैम, क्या क्या बेनिफिट लिया अभी तक आपने MIDC से, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने MIDC वर्ल्ड लिया है, मैं इसे देख भी रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियो यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए चल नहीं पा रहा। और मैंने जो देखा था, जैसे मैं बाहर कहीं जाती हूँ तब देखा तो मुझे अच्छा लगा, मैंने संतोष जी का देखा तो उन्होंने भी अच्छा बताया कि इस डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह हम काम कर सकते हैं और किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और हाउस मीटिंग भी ले सकते हैं, और इससे नए नए कोर्सेस सर खुल नहीं पा रहे मेरे उसमें या मैम आप नेटवर्क एक काम कर लीजिए, यदि वह नेटवर्क का इश्यू है तो आप अपने मोबाइल का जो सिम है उसको पोर्ट करवा लीजिए, यानी जिस चीज का वहां पे नेटवर्क अच्छा हो। आजकल तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है, नंबर जी। चेंज नहीं होता, नेटवर्क चेंज हो जाता है। जैसे आपका जियो का है, वहां पर जियो का नेटवर्क नहीं है, एयरटेल का नेटवर्क है, तो फ्री में हो जाता है, उसके लिए कोई पैसा भी नहीं देना है आपको। आप क्या करिए, अपने जियो को एयरटेल में पोर्ट करवा लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आजकल हर मोबाइल में दो दो तीन तीन सिम डल जाते हैं, मत करवाइए पोर्ट, इसको रहने दीजिए। एक एयरटेल का सिम ले लीजिए या जो भी नेटवर्क वहां पे आता हो उसका सिम ले लीजिए, और अपना ये जो इंटरनेट का जो इश्यू है इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो आपकी बहुत सारी चीजें आपसे रह जाएंगी, छूट जाएंगी। तो इसीलिए ये जरूर कर लीजिए, एक या तो सिम ले लो, आजकल लगभग ना के बराबर में सिम आ रही है, फ्री में सिम आती है, फ्री में ही पोर्ट हो जाता है, सब कंपनियां फ्री में बांट रही हैं, तो आप ले लीजिए, बस एक रिचार्ज करवा लीजिए उसके ऊपर इंटरनेट का, और आप डेली इसको अपनी ट्रेनिंग का बेनिफिट लीजिए। 11,000 रुपये आपने खर्च किए, तो ये 11,000 रुपये खर्च करके
आपको सच बोलूं, एक साल में 11-11 लाख रुपए आप लोग आराम से कमा सकते हो। इतना माल है उधर, यदि आप लोग 1 घंटा रोज यदि MIDC वर्ल्ड को दे दो ना और उसको इम्प्लीमेंट कर लो तो 11-11 लाख रुपए कमा लोगे एक एक साल के अंदर। इतना खजाना है उधर, लेकिन वो होगा जब भी जब आप उसको यूज करोगे, राइट ना। तो मैम इसको जरूर कर लीजिए आप। चलिए गुड। यस गोविंद जी अनम्यूट कीजिए। गोविंद जी अजब सिंह फौजी साहब नमस्कार सर। नमस्कार फौजी साहब, मैं तो रिक्वेस्ट भेजी हुई है सर आपके पास। रिक्वेस्ट भेजिए, अभी मैं स्टेप लिखवा दूंगा, सब लोग लिख लीजिएगा अभी स्टेप। मैं मोबाइल पर एक चीज या तो मोबाइल का ही बताइए या लैपटॉप का बताइए, घोपला हो जाता है बीच में बताने से। लैपटॉप का है तो लैपटॉप बताइए, मोबाइल का तो पूरा एक बार मोबाइल का बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं आपको लैपटॉप का ही बता देता हूँ। सबसे पहले लैपटॉप पे आप MIDC वर्ल्ड को कैसे यूज करना है, पहले मोबाइल पे बता दो तो बढ़िया रहेगा। अच्छा पहले मोबाइल का बता देता हूँ, चलो मोबाइल का लिख। तो और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे MIDC वर्ल्ड को लेके, जिन्होंने MIDC वर्ल्ड यूज किया हो, हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी लीडर जिन्होंने MIDC वर्ल्ड का फायदा लिया है तो बता दीजिए। मैं मेरा पर्सनल बेनिफिट बताता हूँ, मैंने MIDC वर्ल्ड में क्या क्या बेनिफिट लिया है सुनो ध्यान से। मैंने सबसे पहले गेट स्टार्टेड में जाकर के मैंने GTS कोड ऑफ कंडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसके बाद में MIDC वर्ल्ड ट्यूटोरियल, ये चारों कोर्स मैंने किए। पहले सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैं एक तरफ से कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे मालूम है कि यदि मैं छोड़ छोड़ के करूंगा ना तो छोड़ छोड़ के कुछ छूट जाएंगे और फिर हो भी नहीं पाएंगे, तो मैंने नियम क्या बना लिया है, मैं एक तरफ से कर रहा हूँ सारे। तो ये पहले मैंने कंप्लीट किए। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, इससे मुझे ये पता चल गया कि यदि मैं किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को यदि इस कोर्स को देता हूं तो वो व्यक्ति फॉर्म लॉगिन करना सीख जाएगा, वो व्यक्ति वेबसाइट के ऊपर काम करना सीख जाएगा माय लाइफ स्टाइल के ऊपर। यदि मैं किसी नए व्यक्ति को दूंगा तो उस व्यक्ति को हमारी कंपनी के जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारे पता चल जाएंगे। ये मुझे पता चला कि पहले दिन से हम एक व्यक्ति को फॉर्म लॉगिन करना सिखा सकते हैं, उसको वेबसाइट पे पूरी की पूरी जानकारी कैसे देनी है वो MIDC वर्ल्ड से पता चल जाएगी, ये मुझे पता चल गया। उसके अलावा उसमें जो MIDC वर्ल्ड ट्यूटोरियल दिया हुआ है उससे ये पता चल गया कि MIDC वर्ल्ड को यूज कैसे करना है, ये मैंने सीख लिया वहां से। उसके बाद फिर दूसरा कोर्स मैंने किया लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, मैंने दूसरा मॉड्यूल ओपन किया लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स को मैंने ओपन करके मैं आपको दिखाते भी चलूं शायद ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिए, ये मैं आपको दिखाते भी चलता हूं। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोग ओपन कैसे करोगे, फिर मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कैसे कैसे करना है इसको। ये देखिए, ये इसको कैसे करके करना है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, हाइट फ्लोटिंग कंट्रोल्स, ये देखिए, ये मैंने इधर डाल दिया MIDC वर्ल्ड, ये ओपन हो गया। कितना फास्ट ओपन होता है आप देखते चलिएगा। अभी MIDC वर्ल्ड में मैं जाके क्या करता हूँ, लॉग इन पे क्लिक करूंगा, लॉग इन पे क्लिक करना है। फौजी साहब लिख लीजिए, MIDC वर्ल्ड डालना है, सबसे पहले वेबसाइट में डालना है ऊपर MIDZWorld.com। ये सब लोग लिख लीजिए, जिन जिन लोगों को नहीं आता है वो भी लिख लीजिए, जिनको आता है वो भी लिख लीजिए, जिन्होंने MIDZ वर्ल्ड ले लिया वो भी लिख लीजिए, जिन्होंने MIDZ वर्ल्ड नहीं लिया वो भी लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग तो लेने ही वाले हो, तो लेने के बाद आपको उसको यूज कैसे करना है आ तो भी जाएगा। तो सबसे पहले गूगल पे डाला आपने MIDZWorld.com, ये पहला स्टेप है। जैसे ही आप ये डालोगे तो वहां पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, देखिए आपके सामने आ रहा है, ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें लॉगिन, साइन विद गूगल, साइन विद फेसबुक, साइन विद एप्पल, और ये इस तरीके से सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, साइन विद गूगल पे क्लिक कीजिए, इधर साइन विद गूगल पे क्लिक करना है। साइन विद गूगल पे क्लिक कीजिए,
और जब आप साइन विद गूगल पे क्लिक करोगे तो ये आपकी मेल आईडी खुल के आ जाएगी सामने तक, ये मेल आईडी आ जाएगी, इस मेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए अपनी पर, मेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए, जैसे मेरी मेल आईडी है विनर्स क्रिएटर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए अभी वो ओपन हो जाएगा, ये देखिए ये एम आई डिजी वर्ल्ड ओपन हो गया, ये आपका ऐसा पेज ओपन हो जाएगा एम आई डिजी वर्ल्ड का। अब जिन लोगों ने अभी तक चालू नहीं किया है उनको यहां पे एक ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब, क्या ऑप्शन आएगा सब्सक्राइब, इधर वो मेरा ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है इसलिए नहीं आ रहा है वो, आपका एक यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद, अच्छा यदि आपके विंडो पर यदि ये वाला, यदि आपके फोन पर या लैपटॉप पर यदि ये वाला विंडो आ जाए कि वेरीफाई करो मोबाइल नंबर अपना, तो या तो मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लो या तो इस पर क्लिक कर दो रिमाइंड मी लेटर, यदि ये आ जाए बीच में तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपकी एम आई आई डी मांगेगा 10 अंकों वाली, अपनी एम आई आई डी डाल दीजिए, एमआई आईडी डाल दीजिएगा। अब एमआई आईडी डालने के बाद में अब आपसे वो मांगेगा आपका वाउचर कोड, क्या मांगेगा वाउचर कोड, अब आपको वहां पर वो पूरा 16 अंकों का बारकोड डालना है, 16 अंकों का बारकोड डालना है। अब आप बोलेंगे सर ये बारकोड कहां मिलेगा, बारकोड मिलेगा आपकी उस आईडी पर जिस आईडी पर आपने 11,000 रुपए की खरीदारी की है, 11,000 एम आई डीजी वर्ल्ड का पैक लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, उस आईडी पर मिलेगा। और वो वहां कहां मिलेगा, माई शॉपिंग में जाके माई एम डी डब्ल्यू ऑर्डर, माई शॉपिंग में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर ऑप्शन है माई एम डी डब्ल्यू ऑर्डर, माई डीजी वर्ल्ड ऑर्डर, MDW ऑर्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर सामने राइट साइड में लिखा हुआ है नीचे इनवॉइस, इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है। और यदि ये भी मैं आपको बोलो तो ये लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैसे निकलता है, ये लीजिए, ये मैं लीजिए मैं वेबसाइट खोल रहा हूं माई लाइफ स्टाइल की, ये वेबसाइट खोल दी, कहां से निकलेगा ये देख लीजिए आप, ये बारकोड कहां से निकलता है ये लीजिए, ये आप अपनी वेबसाइट खोलिए 15370, अभी देखिए कहां से निकलेगा बारकोड, वो क्यूआर, वो जो बारकोड निकलेगा देखिए कहां से निकलता है, माई शॉपिंग में जाइए, ये रहा माई एमडीडब्ल्यू ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, ये देखिए जैसे मैंने आपको बोला था माई एम डी डब्ल्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो देखो ये इनवॉइस, इनवॉइस पे क्लिक करना है, देखिए ये आ गया बार कोड, फौजी साहब देख लीजिए ये रेफरेंस नंबर ये आ गया आपके सामने, ये 16 अंकों का 7072839680C0102309, इसको यहां से नोट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, और इसको यहां से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दीजिए उसमें जहां पर वो वाउचर कोड मांग रहा है, और वहां पे डाल के उसको लॉगिन कर दीजिए, मतलब ओके हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो गया एम आई डीजी वर्ल्ड। अब ये तो हो गया एम आई डीजी वर्ल्ड, अब इसको इसमें मुकेश जी कई बार कई लोगों को दिक्कत आई है कि सी को वो स्मॉल में कर देते हैं तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता जी, सी कैपिटल में ही डालना है, ये सी कैपिटल में जो बीच में सी आता है इसको कैपिटल में ही लिखना है सी को, ठीक है, सी को कैपिटल में ही डालना है। तो चलिए ये आपने एम आई लाइफ स्टाइल से कैसे निकालोगे ये आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं इसको बैक कर रहा हूं यहां से और मैं वापस चलता हूं एम आई डीजी वर्ल्ड के ऊपर। अब देखिए हम लोग एम आई डीजी वर्ल्ड पर आ गए, ये एम आई डीजी वर्ल्ड है हमारा, अब ये हमारा चालू होके ऐसे खुल जाएगा जैसे अभी खुला हुआ है, आपका एम आई डीजी वर्ल्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, ये देखिए ये कोर्सेज आ गए आपके, इसको जब आप नीचे करोगे सब कोर्सेज हैं आपके, गेटिंग स्टार्टेड, लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स,
प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, रैंक एडवांसमेंट, इंस्पिरेशनल टॉक शोज, है ना, ये सारे ये वॉल्यूम है, ये मतलब ये चैप्टर है ये मान लीजिए आप। अब इनके अंदर आपके कोर्सेज हैं और आप सारे कोर्स देखना चाहते हैं तो सी ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपके सारे कोर्स खुल जाएंगे। कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं यहाँ पे ये देखिए, है ना। अब आपको क्या करना है समझिए सिंपल। अब ये जैसे आपका खुल गया, सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड खुल गया आपका। देखिए ये गेटिंग स्टार्टेड में ये चार कोर्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, एमआई डिजी वर्ल्ड ट्यूटोरियल। चलो मैं आपको इसको सुनवाता हूँ, एमआई डिजी वर्ल्ड को यूज कैसे करते हैं, चलो ये सिखाता हूँ आपको, मैं सुनवा देता हूँ आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एमआई डिजी वर्ल्ड ट्यूटोरियल को ये लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कोर्स को जिसको आपको अटेंड करना है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। क्या एनरोल, एनरोल कर लोगे कॉन्ग्रेट्स का मैसेज आ जाएगा, है ना, और वो मैसेज के बाद में आपको सिंपली फिर दोबारा उसी पे क्लिक करोगे तो वहां पे आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, और स्टार्ट लर्निंग के बाद ये वाला पेज आ जाएगा जैसे खुल गया आपके सामने। देखिए ये सब ये खुल जाएगा और अब इसमें ऐसे पार्ट्स में आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये पार्ट्स है। अब जैसे आपको पहला पार्ट देखना है, हाउ टू रजिस्टर ऑन एमआई डिजी वर्ल्ड, ये पहला पार्ट है, इस पर क्लिक कर दीजिए प्ले। ये देखिए मैंने प्ले कर दिया और इस पर कंटिन्यू करना है। फिर अभी देखिए चल जाएगा, अभी अभी ये चलने वाला है, ये इतना टाइम सिर्फ नेट की वजह से लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नेट की वजह से लग रहा है, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस पे। ये देखिए कई बार नेटवर्क का इश्यू हो जाए तो बात अलग है, तो भाई इतना टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसमें बताया हुआ है एमआई डिजी वर्ल्ड में रजिस्टर कैसे करना है, कोर्स एनरोल कैसे करना है, कोर्स को देखना कैसे है, लैंग्वेज कैसे बदलनी है, राइट ना। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें बताई हुई हैं, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, वाउचर को वेब से रिडीम कैसे करना है जो मैंने अभी सिखाया था आपको, है ना, कैसे लेना है, एप्लीकेशन में वाउचर को कैसे यूज करना है, प्लेटफॉर्म को कैसे पूरा का पूरा देखना है, स्टडी करना है, ये सब कुछ इसमें बताया। अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, जब तक हम और देख लेते हैं। ये लीजिए लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, अभी जैसे लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स में ये चार कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, ये मोहन जी का है जो एग्रो साइंटिस्ट है, जिनको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग लेनी है इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है वो इसको एनरोल कर लीजिए, जिनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है वो इसको एनरोल कर लीजिए। देखिए कितनी सुंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी है डीबी नारायणा जी ने और के राजेश जी ने, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी देखिएगा एक सेकेंड, एन एक्सपीरियंस, चलिए अब चर्चा करते हैं एक सेंसिटिव इश्यू यानी कि विमेन्स प्रॉब्लम्स, जिसके लिए एलिमेंट्स ने निर्माण किया है एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस वुमेन कंपेनियन। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जो नारी है गृहस्थी की वो सब लोगों के दुखों का ख्याल रखती है, फिर ऐसा क्यों कि उनको खुद महीने में 2-3 दिन दुख सहना पड़ता है, इसका क्या कारण है? जो भी युवती माहवार प्यूबर्टी से निकलती है और 40, 45, 50, 55 तक उनका ओवरीज और अंडाशय या यूटरस जो है काम करता है, ये इसीलिए काम करता है कि प्रकृति ने इनको प्रजनन की शक्ति दी है और वो शक्ति की वजह से वो अंडाणु हर महीने बनाते हैं और ये अंडाणु जाके यूटरस में बैठता है
जब उसको शुक्राणु मिल जाती है तब बच्चा कन्वर्ट होता है, मगर हर महीने तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। तो इसी की वजह से नेचर ने उनको ये भी क्षमता दिया है, जो अंडाणु बच्चे में कन्वर्ट नहीं हुआ वो उसको विसर्जन कर दे। इसको माहवार कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके साथ उनका थोड़ा सा खून भी वेस्ट होती है, वो भी रिजेक्ट होके निकल जाता है। ये एक प्रकृति का नियम है कि हर स्त्री को हर माहे माहवार हो जब तक वो बच्चा ना पैदा हुआ हो। तो ये नहीं हुआ तो उनको बहुत सारे मानसिक और दैहिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो बहुत से स्त्रियों में माहवार 28 दिन में होना चाहिए, 28 दिन में नहीं होता है, बहुत पहले हो जाता है, 20 दिन में ही हो गया, 21 दिन में हो गया, या 30 दिन 40 दिन भी हुआ तभी भी माहवार नहीं हुआ। कुछ लोगों को तो महीने भर माहवार नहीं होती। इसका कारण है हार्मोन लेवल्स। अभी देखिए जैसे ये मैंने गुड आयरन सप्लीमेंट वाला हमारे अगले प्रोडक्ट का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस फीलिंग। इसको फीलिंग क्यों कहते हैं? FEALING। फीलिंग का मतलब है FE को केमिस्ट्री में आयरन बोला जाता है, ईलिंग का मतलब है हीलिंग का एक हिस्सा, और आयरन की मात्रा अगर ठीक हो बॉडी में तो एक अच्छा फीलिंग महसूस होता है। तो इस नाम के तीन अर्थ हैं। इस नाम का एक कनेक्शन है एक वर्ड के साथ, वो वर्ड का नाम है अनीमिया। डॉक्टर साहब ये अनीमिया होती क्या है? सुना है कि बहुत सारे इंडियंस को ये अनीमिया का प्रॉब्लम है, अनीमिया का मतलब क्या है? अनीमिया एक ऐसा भयंकर प्रॉब्लम है, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, किसी को भी हो सकता है। ये खून की कमी, इन सिंपल वर्ड्स कहा जा सकता है इसको। अनीमिया मतलब है हमारे, देखिए अभी समय की हमारे पास में थोड़ी सी लिमिटेशन रहती है, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकता, नहीं इसको बता सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ कि आप लोग इस तरीके से MIDC वर्ल्ड को यूज करके अपना बहुत बहुत फायदा उठा सकते हो। ये मैंने आपको कुछ झलकियां दिखाई हैं। अब आप एक चीज और बोलूं, जिस व्यक्ति ने डॉक्टर DB नारायणा जी को 2.5 घंटा सुन लिया, अगर आधा डॉक्टर बन जाएगा वो, उसको सब पता चल जाएगा हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, किस किस चीज के लिए काम करते हैं, बीमारी क्या क्या होती है, बीमारी का समाधान क्या क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या चीजें डाली गई हैं जो कि आपको इतना फायदा देने वाली है। अब आप बताइए जिन लोगों ने सुना MIDC वर्ल्ड, आपको क्या समझ में आया कि MIDC वर्ल्ड से सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैंने डॉक्टर DB नारायण जी को आपको सुनवाया थोड़ा सा। फौजी साहब अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या लगता है ये जो MIDC वर्ल्ड में जो ट्रेनिंग जिस तरीके से दी है फायदा होगा नहीं? जितना भी आज तक सीखा है आप लोगों से, यहाँ उससे और ज्यादा बेटर मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत। क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने प्रोडक्ट तैयार किए हैं उनको तो उसका बाल तक का पता है, बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सब सीख लेगा। तो ये देखिए सब लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और आप लोग इसको जल्दी से ले लीजिए जिन जिन लोगों ने नहीं लिया है, और ले और जिन्होंने ले लिया वो सीखना चालू कीजिए। देखो जिन्होंने ले लिया वो तो सीखना चालू करो, और जिन्होंने नहीं लिया है वो सबसे पहले इसको ले लीजिए और इसका फायदा उठाइए। इससे आपको बहुत पैसा आएगा, आप एक ही साल के अंदर आप देखिएगा MIDC वर्ल्ड के माध्यम से सपोर्ट लेके आप कितना पैसा कमाने वाले हो। लेकिन शर्त यही है, पहले ले लो और फिर उसको यूज करो। और भी आगे को हम लोग आपको इसी तरीके से सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे MIDC वर्ल्ड को कैसे यूज करना है, इसका क्या क्या बेनिफिट है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे।